Good morning everyone, welcome to SS lecture. Now today we are going to continue our fifth chapter of SS, page number 24. Yesterday we had studied about earthquake. Earthquake ke bare mein kal humne padha tha. Now today we are going to study about volcano. Page number 24. The center of the earth is approximately 6,371 kilometers from the earth's surface. जो सेंटर है वो अर्थ सरफेस से अप्रॉक्सीमेटली 6,371 किलोमीटर्स है दूर. वॉल्केनो. वॉल्केनो रिफर्स टू एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट फ्रॉम विच मॉल्टन लावा रॉक्स फ्रेगमेंट्स एशेज डस्ट एंड गैसेस आर इजेक्टेड फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस. वॉल्केनो ऐसे एक ओपनिंग है ऐसा अर्थ के क्रस्ट में से जिसमें से मॉल्टन लावा रॉक्स फ्रेगमेंट्स एशेज डस्ट गैसेस वो सब बाहर इजेक्ट होते बाहर निकलते अर्थ के सरफेस में से. लावा मतलब पता है रॉक्स छोटे छोटे पत्थर भी होते टुकड़े फ्रेगमेंट्स मतलब बहुत बारीक होते एशेज धुआं निकलता है डस्ट भी निकलता है और गैसेस भी काफ़ी सारे निकलते. वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स ड्यू टू फोर मेन रीजन्स. चार रीजन्स है उसके वॉल्केनिक इरप्शन अकर होने के लिए. हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. क्रिएशन ऑफ मैग्मा. मैग्मा का क्रिएशन होता है नीचे. क्रिएशन ऑफ गैसेज एंड वेपर. गैसेज और वेपर भी क्रिएट होते हैं. राइजिंग ऑफ मैग्मा टूवर्ड्स द अर्थ सर्फेस. मैग्मा अर्थ के सर्फेस के ऊपर राइज करता है इसकी वजह से ये सब वॉल्केनो होते. द मैग्मा इज पुश्ड अप बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा. मैग्मा ऊपर उसको धकेल में आता है मतलब ऊपर पुश करते जो गैसेस होते मैग्मा के नीचे जो गैसेस होते उसको पुश करते ऊपर की तरफ. सेकेंडली द वॉटर पर्क्यूलेटिंग थ्रू द क्रैक्स एंड ओपनिंग्स ऑफ वीक रॉक सरफेस टर्न्स इनटू वेपर. और दूसरा रीज़न है जो वाटर क्रैक्स के बीच में जो वाटर होता है ना और जो रॉक्स रॉक सरफेस होता है पत्थर से बना हुआ सरफेस उसके ओपनिंग वीक होता है उसके बीच में जो वाटर होता है वो वेपर में टर्न हो जाता है. दिस वेपर इज़ फुल ऑफ प्रेशर ओविंग टू लैक ऑफ स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट विथ ग्रेट फोर्स. ये वेपर फुल प्रेशर से भरा हुआ होता है क्योंकि स्पेस बहुत कम होती है और उसकी वजह से वो एकदम ग्रेट फोर्स में बाहर निकलता है पुश होता है. दिस वेपर ऑल्सो कॉजेज मैग्मा टू राइज अपवर्ड्स. ये वेपर की वजह से भी वो मैग्मा ऊपर की तरफ पुश होता है. द गैसेज प्रेजेंट इन द मैग्मा रीच नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इरप्ट विथ अ हाई प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ लावा एशेज गैसेज रॉक पीसेज ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस एक्सेट्रा. जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं मैग्मा के पास वो अर्थ के सरफेस के ऊपर रीच हो जाते उसके प्रेशर से और एकदम हाई प्रेशर की वजह से वो लावा एशेज गैसेस रॉक पीसेस उसमें बाहर निकलते एंड दिस इज नोन एज वॉल्केनो. ऑल दीज वॉल्केनिक रेसिड्यूल्स कम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड फॉर्म अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर. ये सब कुछ वॉल्केनिक रेसिड्यूल्स जो बाहर निकलते हैं लावा एशेज वो सब देखा हमने वो अर्थ के सर्फेस की तरफ आ जाते हैं और माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. इफ द अमाउंट ऑफ गैसेज एंड वेपर इज मोर एंड द वेंट ऑन द सर्फेस अर्थ सर्फेस इज नैरो देन द इरप्शन इज डेंजरस. अगर गैसेज और वेपर के अमाउंट ज़्यादा है और जो वेंट मतलब अर्थ के निकलने का अर्थ स्पेस का जो निकलने का जो सरफेस होता है जितना वो नैरो होता है एकदम छोटा होता है तो इरप्शन एकदम डेंजरस हो सकता है. बट इफ द अमाउंट ऑफ गैसेज इज लेस एंड द वेंट इज ब्रॉड एंड लॉन्ग. पर गैसेज के अमाउंट कम है और जो बाहर निकलने का जो स्पेस है वो एकदम ब्रॉड और लॉन्ग है देन द मॉल्टन लावा कम्स आउट स्लोली एंड स्प्रेड्स इटसेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस. तो जो लावा है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है और फिर अर्थ के सरफेस में स्प्रेड हो जाता है.
देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. वॉल्केनोज आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड. वॉल्केनोज बहुत अलग अलग जगह पे मिलते हैं वर्ल्ड के. देर इज ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया एंड दैट इज इन द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार. इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है और वो भी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में वहाँ पे है. वॉल्केनिक इरप्शन एट एनी प्लेस और रीजन लीड्स टू मैसिव डिस्ट्रक्शन इन लोकल एरियाज. अगर वॉल्केनिक इरप्शन होगा कोई भी प्लेस कोई भी रीजन में तो लोकल जो एरियाज जहाँ पे होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन नुकसान बहुत होता है वहाँ पे. कम ऑन अनदर पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 25. वॉल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू, सर्टेन बेनिफिट्स भी होते हैं वॉल्केनोज के. द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीजेस ड्यू टू लावा. जो लावा निकलता है उसकी वजह से जो लैंड में स्प्रेड होता है उसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. फर्टिलिटी मतलब वो लैंड में खेती जो फसल होती है वो अच्छी तरह से होती है. द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू द फर्टाइल लैंड इन जावा एंड समुद्रा एज इट इज मेड ऑफ लावा. जावा और समुद्रा में जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन होता है खेती वो बहुत अच्छी तरह से होती है क्योंकि वहाँ पे वो जो लावा निकलता है उससे बना हुआ होता है. लावा यूजुअली निकलता ही रहता है तो इसकी वजह से लैंड फर्टाइल हो जाता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी तरह से होता है. द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रेसिड्यूल्स हेल्प द फार्मर टू ऑब्टेन अबैंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन. जो उनके सॉइल होता है वो पोटेशियम रिच हो जाता है वॉल्केनिक रेसिड्यूल्स की वजह से. पोटेशियम बहुत होता है उसमें, इसकी वजह से फार्मर्स की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है. उनका क्रॉप प्रोडक्शन अबैंडेंट होता है मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में होता है क्रॉप. द हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द एरियाज ऑफ वॉल्केनो हैव जर्म किलिंग प्रॉपर्टी एंड दैट क्योर स्किन डिजीज. वॉल्केनो जहाँ पे होता है वो एरियाज में हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं. इसकी वजह से हॉट वाटर स्प्रिंग की वजह से जर्म जो किलिंग प्रॉपर्टी होती है जर्म्स मर जाते हैं. इसकी वजह से स्किन डिजीज में भी क्योर हो जाता है. एट अ लोअर डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ सर्टेन मिनरल्स लाइक मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एटसेट्रा कैन बी ऑब्टेन इजिली ड्यू टू वॉल्केनो. एकदम नीचे अर्थ के नीचे सरफेस में लोअर डेप्थ में अर्थ के काफ़ी सारे मिनरल्स भी आपको मिलते हैं ये वॉल्केनो की वजह से. मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम जैसे वॉल्केनो की वजह से वो आपको मिल सकते हैं इजीली. द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो टर्न्स इट इनटू डायमंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम. जो लावा जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के अंदर उनके जो निकलने के अंदर पे ही रहता है जो लावा और ठंडा होने के बाद वो डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाते. जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे डायमंड्स में कन्वर्ट होते. द स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन नोन एज लेपिली विच हैव बीन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल एज दे कैन बी मोल्डेड ईजिली. जो छोटे छोटे रॉक्स निकलते वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे वो लेपिली बोलते उसको और वो बहुत अच्छा प्रूव करते मतलब बहुत अच्छे रॉक्स माने जाते क्योंकि वो इजीली मोल्ड हो सकते थे, इजीली चेंज हो सकते इसकी वजह से. नाउ चिल्ड्रन, सुनामी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन. टिल देन स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे, बी सेफ, थैंक यू.